शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। जनक की शादी पूरी तरह से कैंसिल हो गई है और सरदर्द फिर से आप लोगों के घर पे। देखिए, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो खैर पार्ट ऑफ द स्टोरी है ही है, और हम चाहते थे कि जनक चली जाए, कैसे भी जाए, जाए तो सही, बट कहाँ जाने वाली थी जो आप देखा आप सबने भी कि कैंसिल हो गया शादी, और इतना सारा इतना बड़ा ड्रामा हो गया, तेजस अगेन रिवील हो गया कि तेजस है वो, तो हम सबको भी झटका लगा। खैर हमारी मतलब हमें नहीं पता था कि तेजस है चेहरे के उस चेहरे के पीछे, तो हम सब भी शॉक हैं, बट कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग मेरी बीवी और शिष्य जी की रही होगी आई एम श्योर, तो सभी के लिए एक शॉकर होगा और एपिसोड बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। क्या लगता है आपको कि ये मतलब अविनाश की जगह तेजस को डाल दिया गया, मतलब ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? गड़बड़ मे बी सी दोनों एंगल्स हो सकते हैं, या तो प्लांट किया गया हो अविनाश को, या पॉसिबिलिटीज ये भी कि आप तो उसके फादर की तबीयत खराब हो गई है एक्चुअल में, तो कुछ ना ऑप्शन मिला हो तो शिष्य ने सोचा कि तेजस को ले, तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है अभी, तो जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा तो हमें भी पता लगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। क्या लगता है अनिरुद्ध के जनक के साथ भी है और अर्षी के साथ भी है, क्या लगता है किसके साथ रहने वाला है अनिरुद्ध? अगर हम देखें ऐसा कि अर्षी तो लॉयल है, देखो अर्षी अनिरुद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है, उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, और रही बात अनी के एंगल की, तो अनी बहुत इनिशियली उसने स्टार्ट किया था कि बहुत हेल्पफुल है, उसका बहुत केयरिंग नेचर है, बट अभी शायद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उसका झुकाव जनक की तरफ हो रहा है, या मे बी अभी भी वो उसी एंगल से देख रहा है, मगर हम सबको ऐसा लग रहा है कि उसका झुकाव ज़्यादा हो रहा है, तो ये अगेन धीरे धीरे पता लगेगा कि भाई चल क्या रहा है, लेकिन उसने अभी जो चीज़ स्टैंड लेने की बात करी उसकी, फिर उसने बोला कि शादी अगर आप मानो तो मैंने भी शादी कर लिया फिर, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, और धीरे धीरे ये भी लेयर हटने वाली है कि वो उसको रखेगा या शादी करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो आगे की बात है। ओके, एक आखिरी सवाल पूछा जाऊंगा सर।